मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा रवैया कुछ बदल सा गया है। मैं बदल रही हूँ? रोहन बदल तो आप रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? आपके पास रमशा के अलावा कुछ बात करने के लिए होता ही नहीं है। मैं मानती हूँ वो बीमार है, उसको आपकी जरूरत है, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी आपके वक्त और प्यार की जरूरत हो सकती है। रमशा उठो रमशा। सर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि आपकी और फिजा की लाइफ को डिस्टर्ब। तो फिर क्या मकसद था? सर मैं चाहता था कि फिजा दोबारा मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए। मैं भूल गया था जो जिंदगी में उसे दे चुका था उसमें वो कौन सा खुश था। मैं मोहब्बत और तुम। ये डिस्टर्ब रहने लगे हैं रोहन, समझ में नहीं आता कैसे कंट्रोल करूं। तू फिक्र ना करो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने चिड़चिड़े और बदमिजाज हो गए हैं। जाहिर है हया, उसकी बहन उससे जुदा हुई है, जल्दी उसका गम कैसे भुलाए। हाँ लेकिन कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है। अरे तुम गुस्सा मत किया कर। नहीं मैं उन पे गुस्सा नहीं उतारती, लेकिन उलझन तो होती है ना। शादी से लेकर आज तक एक भी दिन सुकून से नहीं गुजरा। कुछ भी हो जाए ना, तुमने पुरसुकून रहना है। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर आपसे फिजा की नौकरी की बात करने नहीं आया था, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। मैं फिजा को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ उनसे। फोन क्यों नहीं उठा रही? एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, एक बार फिर करती हूँ। तो घर क्यों नहीं आई? वैसे तो आ जाती, कामिल भी नहीं आए, उनको फोन करती हूँ। हेलो कामिल, आप कहाँ रह गए? अभी तक घर नहीं आए? दोस्तों के पास क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ अकेली इंतजार कर रही हूँ। नहीं ना, फिजा नहीं आई है घर।
कर चुकी हूँ, फोन नहीं पिक कर रही। कामिल आप प्लीज पता कर दे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जी, और आ जाए घर जल्दी। ओके। हया, हया। हाँ बोलो। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है मेरी दोस्त। हाँ घर देख रही थी, कितना प्यारा है ना। चलो शुक्र है तुम्हें पसंद तो आया, वरना आजकल की तो भाभियाँ नाक मुँह चिढ़ाती रहती हैं बस। रमशा, हया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अच्छा भाई, अभी से गुनगाने लगे आप। तो क्या नहीं लूँ मैं इसकी साइड? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, बस मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ आप लोग इसी तरह हमेशा साथ रहें। और रमशा मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हमेशा ऐसी खुश रहो। बिल्कुल, तो फिर क्यों ना इसी बात पे आज हम डिनर बाहर करें, नेकी और पूछ। रुको रुको रुको, कहीं तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है ये? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अच्छा रमशा, तो फिर आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे, तुम कुछ मत बनाना। ठीक है, आप बस चले, हम लोग रेडी होके आते हैं। अहमद साहब तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। क्या मतलब है? क्या मतलब है इसे, क्या मतलब? क्या तुम्हें ये खबर सुन के खुशी नहीं हुई? मुझे तो लगा तुम बहुत खुश होगी। खुशी? किस बात से खुशी हो रही? तुम एक ऐसे शख्स की बीवी बनने जा रही हो जो एक मुकम्मल इंसान है। उनसे शादी करने से ना सिर्फ तुम खुश रहोगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी से ये सारी मुसीबतें गायब हो जाएंगी। ये मेरे प्यार का इजहार है, सुन रही हो? मेरे प्यार का इजहार है। मेरी बात सुनो, मेरा हाथ बस। आइंदा तुमने अगर फिजा से बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर लेटर की जगह टर्मिनेशन लेटर होगा। क्या रिश्ता है आपका फिजा से, और किस हक से आपने मुझे हाथ लगाया? फिजा मेरी होने वाली बीवी है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी सर पूछिए। आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? क्या सोचना है मुझे, बस चल रही है मेरी जिंदगी, अच्छी है। मैंने आपकी जिंदगी के बारे में एक बात सोच रखी है, एक सरप्राइज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये है वो सरप्राइज। ये क्या? अंगूठी है। मैं देख सकती हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों दे रहे हैं अंगूठी? क्या आप नहीं जानती कि किसी लड़की को अंगूठी क्यों दी जाती है? जानती हूँ, लेकिन ये मैं रख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती। दो बार शादी करके मुझे कौन सा सुकून मिल गया, जब शादी की खातिर अपनी जिंदगी को फिर से बेसकून करना।
सुनिए जी, इंसान शादी बेसुकून के लिए नहीं करता, वो सुकून होने के लिए करता है। खैर, मैं आपकी बात समझता हूं एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन मैंने आपसे जो कहा है आप उसके बारे में भी सोचिएगा जरूर। खुदा हाफिज। क्या बात है, परेशान लग रही हो मुझे तुम। मानी क्या बताऊं मैं आपको, रोहान को लेके बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हुआ रोहान को? उषा के जाने के बाद रोहान बहुत बदल गए हैं, इतना अजीब बिहेव करते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं याद कि हमारी नई नई शादी हुई। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन देखो ना रोहान के साथ क्या हो गया। बहुत परेशान होगा और तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें लेके उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी। वो चाहता होगा कि तुम उसे सबसे ज्यादा समझो। अब ये तुम्हें करना है। हाँ मानी, फिजा अहमद साहब से शादी के लिए मान गई है क्या? नहीं हया, अभी तक तो फिजा ने कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। मोमानी आप समझाए ना उसको, इस तरह के रिश्ते बार बार नहीं मिलते। सही कह रही हो, अहमद साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन समझाऊं क्या? फिजा तो इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। एक फैसला तुमने किया था, मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब एक फैसला मैं कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत फैसला नहीं करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। रोहान आपकी तबीयत कितनी खराब है, चले मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते। मुझे कहीं नहीं जाना। रोहान क्यों जिद कर रहे हैं, उठे ना चलें। तुम क्यों जिद कर रही हो, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। जब से रमशा गई है ना आपने अपना हाल खराब कर रखा है, जाने वालों के साथ जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। हमारी रमशा चली गई, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। आप मुझे परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं हुआ हाजिर, तुम्हें तो पता है कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैं कुछ भी भुला नहीं सकी। काफी मुश्किल था ये सब कुछ मेरे लिए। I know, I can understand, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। हाजिर, मुझे इस जगह से उनसियत हो गई है और जिस स्कूल में मैं जाती हूँ वहाँ के बच्चों से मुझे अटैचमेंट हो गई है। मैं कनाडा जाके कैसे एडजस्ट करूँगी? बस इतनी सी बात। अच्छा देखो जरा रोहा, तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई परेशानी में आने नहीं दूंगा। और बाबा वैसे भी तुम्हारे कनाडा में पहले से इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो तुम्हारा वहां पर दिल लग जाएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद भी बहुत चल पड़े। इंशाल्लाह। टिकट रख लिए? हाँ बाबा रख लिए टिकट। अच्छा अब इसी तरह मुस्कुराते हुए सफर करना, क्योंकि अगर मॉम की ऑब्जर्वेशन पावर तुम जानती हो कितनी स्ट्रांग है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हें जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा।
रोहन आपकी तबीयत कितनी खराब है, चले मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते। मुझे कहीं नहीं जाना। रोहन क्यों जिद कर रहे हैं, उठे ना चलें। तुम क्यों जिद कर रही हो, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। जब से रमशा गई है ना, आपने अपना हाल खराब कर रखा है। जाने वालों के साथ जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। हमारी रमशा चली गई, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। चले उठे ना रोहन। मेरी फिक्र नहीं करो, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम बस खुश रहो। रोहन मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, आपको परेशान देखकर मैं खुश नहीं रह सकती। जिद नहीं करे, मैं कह रही हूँ ना उठे, बस उठे। तुम खुश हो जाओगी तो मैं चलता हूँ डॉक्टर के पास। राज बिल्कुल पागल हो गया, मुझे तो लगता है मुझे अजीत पहुंचाने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा वहां आके जॉब करेगा। लगता तो मुझे भी ऐसे, जिस तरह से वो अपना ट्रांसफर लेटर आज फाड़ कर गया। मुझे लगता है वो वहां से तुम्हें दोबारा हासिल करने के लिए आया था, लेकिन वहां पे उसका सामना हो गया अहमद साहब से, जो कि उसने सोचा ही नहीं था। फिजा मैं तो कहती हूँ तुम्हारी और अहमद साहब की जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए, इस तरह तुम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगी, वरना पता नहीं तुम्हारी लाइफ में और कितनी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। औरत को तहफ्फुज़ के खातिर मर्द की चार दीवारी की जरूरत पड़ती ही है। अब मुझे किसी की जरूरत ना ही किसी मर्द की ना किसी चार दीवारी की, तो जिंदगी में खुश। तुमने बात की है अहमद साहब से? किस बारे में? रिश्ते के बारे में। मानी किसके रिश्ते के बारे में? तुम्हारे रिश्ते के बारे में। पागल क्या हो गया, किसी बातें करी आप? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? शादी नहीं करोगी तो क्या सारी जिंदगी अकेले गुजारनी है? हाँ गुजार लूंगी। आप लोग हैं ना, मुझे किसी की क्या जरूरत है? हमने कब तक जीना है? किसी बातें करी आप, प्लीज ऐसे तो मत बोलो। बस मुझे किसी से शादी नहीं करनी आप। फिजा आपा, आपा आप रो रही हैं? क्या बात है? कुछ नहीं अजरा, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा है, लगता है मेरा वक्त आ गया। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अच्छा मेरे से एक वादा करो। क्या हो गया आपा, कैसा वादा करूं? मेरे पास मेरी बच्चियों का बहुत ख्याल रखना, बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह। वो ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा आपकी तसल्ली के लिए मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी बच्चियों का ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखूंगी जैसे आप रखती हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे, जीती रहो बेटा। दिल छोटा नहीं करें आप, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। रोहान ये नहीं, सूप पी ले। इसकी क्या ज़हमत थी आया? ज़हमत कैसे, आप मेरे शौहर हैं और ये मेरा फर्ज है। तुम अपना फर्ज समझ के बना के लेकर आई हो, मोहब्बत से नहीं लाई। किस तरह की बातें कर रहे हैं,
अगर मुझे आपसे मोहब्बत नहीं होती तो मैं इस मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं होती। एहसान जता रही हो? जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पे एहसान नहीं जताया जाता। मुझे माफ कर देना, रमशा की परेशानी में मैंने तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। लगता है डॉक्टर की समझाई हुई बातें असर कर गई। सही कहते हैं, डॉक्टर बहुत बड़ा मसीहा है। आया, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। चुप चले। क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है? नहीं है मुझे ये रिश्ता कबूल। आप उन्हें मेरी तरफ से इनकार कर दें। रिजाब, क्या हुआ कामिल? फिजा क्या कह रही? रिश्ते से इनकार कर दिया, तुम उन्हें फोन करके मना कर दो। जी मैं शाम तक फोन करती हूँ। लेकिन समझाऊं क्या, फिजा तो इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। काश आज अम्मी होती तो वो यकीनन उसको मना लेती। उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा वो कब तक इस तरह आप लोगों पे बोझ बनकर रहेगी। अरे नहीं नहीं हया, तुम दोनों हमारे लिए बोझ हरगिज नहीं। ये बात तो सही है कि अगर आज आपा जिंदा होती तो फिजा मान जाती, लेकिन मैं और कामिल बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों की जिम्मेदारी पूरी हो तो हम अपने बारे में भी कुछ सोचें। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं। अरे बिल्कुल वो मानी इंशाल्लाह। अच्छा हया, मैंने रोहान की पसंद के कोफ्ते बना रखे हैं, जरा उसे फोन करो आए और आकर खा ले। ठीक है मैं बुलाती हूँ। मुझे मना कर दिया और खुद रो रही हो। ये रोने का नहीं खुश होने का वक्त है।
चलो बस करो तुम दोनों, ये कोई रोने का वक्त है? दुआएं दो हया को कि उसकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी सी गुजरे। आमीन। खुश रखिएगा प्लीज इसे। चले बिस्मिल्लाह करें, आइए आइए आइए, आप आइए और रोहान आ जाए। लेकिन फिजा तुम्हें सोचना तो चाहिए। अब आ गए आप? हाँ आ गया। वालेकुम सलाम। फिजा जी मैम, जिंदगी में अच्छे लोग बड़े नसीब से मिलते हैं। तुम्हारा एक दुरुस्त फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मामू मेरी सैलरी काफी अच्छी खासी है, मैं सब जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, और तुमने मेरा बोझ बहुत अच्छे तरीके से बांटा है, लेकिन अब तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी जिंदगी खुशियों से भरो। लेकिन माँ, एक फैसला तुमने किया था, मैंने तुम्हारी बात मानी थी, अब एक फैसला मैं कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत फैसला नहीं करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। रमशा चली गई, लेकिन ऐसे लगता है जैसे रोहान को भी अपने साथ ले गई है। क्या हुआ हया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? रोहान हर वक्त रमशा की यादों में खोए रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कैसे वापस लाऊं। इतना बड़ा सदमा है, कुछ वक्त तो लगेगा। कैसे संभालूं खुद को, मुझसे गम बर्दाश्त नहीं हो रहा, लग रहा है दिल सीने से निकल के फट सा जाएगा। मेरा भी यही हाल है। वो मेरी बहन तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल बहनों जैसी थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरे हर राज से वाकिफ। उसको भूलना इतना आसान नहीं है। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, वरना तो ये गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और रमशा के साथ खुद भी दफन हो जाता। किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपका दिया हुआ मशवरा काम कर गया है। कौन सा मशवरा? आपने कहा था ना रूहान का ख्याल रखो, उसे टाइम दो, वो मशवरा काम कर गया। क्या वाकई रूहान अब पहले से बेहतर हो गया है? जी मोमानी, अब वो मुझे तवज्जो भी देते हैं, टाइम भी देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं मोहब्बतवार तुम, मैं मोहब्बतवार।